यदि आपने 2010 के ट्रॉल हंटर मूवी नहीं देखी है, जो कि काफी अच्छी मूवी थी, जिसके डायरेक्टर थे आंड्रे ओवरडाल, जिन्होंने गिलर्मो डेल टोरो के साथ मिलकर स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क ये मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था, वही डायरेक्टर ने ट्रॉल हंटर मूवी बनाई थी 2010 की, जो कि काफी कल्ट क्लासिक मूवी थी। ये जब मैंने उसको पहले टाइम देखा था, तो ये मूवी को यदि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मूवीज कह सकता हूँ, जैसे कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, गॉडजिला या फिर लॉस्ट नॉचेस, इस तरह के जो किंवदंतियां या स्टोरीज में, नॉर्वेजियन स्टोरीज में कही जाती थी कि ट्रोल्स की जो स्टोरियां कही जाती हैं, उनके ऊपर आधारित वो मूवी थी। और वो मूवी जो बेसिकली उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था, उसके अंदर हॉरर था, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की तरह, एक तरह से हाइफिनेशन में दर्शाया हुआ, उस तरह के कैमरा एंगल थे, फिर बाद में गॉडजिला की तरह एक ट्रोल था पहाड़ों की तरह 150 फीट लंबा, और उसके अंदर जो गोर था, वायलेंस था, वो सारी चीज उसके अंदर, वो यूनिकनेस थी, जिससे कि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वॉचेबल और बहुत ही पसंद की गई थी। वो मूवी को मैंने 2 बार देखा था, और उस मूवी के बाद आई थॉट कि कुछ उसकी सेकेंड पार्ट आने वाला है, बट उसके 12 साल के बाद नेटफ्लिक्स ने ट्रोल मूवी बनाई हुई है, ट्रोल करने के लिए नहीं बट ट्रोल मूवी बनाई है, बट उस डायरेक्टर को नहीं वापस से उन्होंने रिपीट किया है, उन्होंने एक नए डायरेक्टर को हायर किया हुआ है, रोर उठाओ, जिन्होंने कि लारा क्रॉफ्ट के ऊपर मूवी बनाई थी, और उसके बाद द वेव, इस तरह की मूवी पहले से बना चुके हैं। तो वो जो डायरेक्टर का जो बैकग्राउंड है उतना जबरदस्त नहीं है, इतनी यूनिक मूवी बनाने का नहीं है, बट उन्होंने इसको मौका दिया हुआ है। और जब इस मूवी को आप देखोगे ना, जैसे कि बॉलीवुड मूवी होती है, तो उसके अंदर किस तरह से एक मसाला होता है, टिपिकल जिस तरह से भेड़िया मूवी आपने देखा था, जिसको सीरियसली ना ट्रीट कर सकते थे, एक जॉनरा जो कि अननोन है इंडियन मूवी गोवर्स को, जो नॉर्मल मूवी गोवर्स है जो सिर्फ बॉलीवुड मूवी ही देखता है, उनके लिए ये तो अननोन था, बट वहाँ पे भी उन्होंने इसको इस तरह से ट्रीट किया कि जिस तरह से एक बॉलीवुड मसाला मूवी बन के आ गई। वहाँ मेरा मेन क्रिटिक यही था कि वहीं पे आप उस मूवी को सीरियसली हैंडल कर सकते थे, और जिस तरह से एंडिंग की थी, तो इसी तरह इन्होंने भी हॉलीवुड के एक जो फॉर्मूला होता है, उसी तरह नेटफ्लिक्स और जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को भी इस तरह से ट्रीट किया हुआ है, जैसे कि हर एक हॉलीवुड मूवीज होती है, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, सेट फार्मूला होता है, और उसके अंदर एक इमोशनल और फिर बाद में पर्सनल स्टोरी डाली जाएगी, फिर एक मॉन्स्टर दिखाया जाएगा, फिर उसकी भी एक इमोशनल स्टोरी दिखाई जाएगी, उसको भी गुड दिखाया जाएगा। वो जो एक खिचड़ी तैयार करते हैं लोग, वो मूवी को जो एक उसकी एसेंस होनी चाहिए, जो गोर होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए, एक हॉररनेस होनी चाहिए, फिर जो उसको हंट करने का जो उस पहली मूवी में था, जो ट्रोल हंटर में, उस तरह का टोन इस मूवी के अंदर से पूरी तरह से मिसिंग था। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ये ट्रोल मूवी जो बेसिकली नेटफ्लिक्स पर आई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिंग है एट द बेस्ट ओके है, और उसके अंदर जो बेसिकली जो स्टोरी है, आप उसे कह सकते हो एक जेनरिक हॉलीवुड स्टोरी है, और उसके अंदर जो ट्रोल दिखाया गया है, उसको ट्रीट किया गया है जैसे गॉडजिला को 1998 की मैथ्यू ब्रॉडरिक की मूवी थी ना, उसकी तरह उसको ट्रीट किया गया है। और वहाँ पर उसे एक बैड मॉन्स्टर की तरह पहले प्रोजेक्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि वो अपने परिवार के पास पहुँचना चाहता है, वो सबको बुरा हर्ट नहीं करना चाहता है, फिर बाद में उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो टिपिकल फार्मूला है ना, ये आप कई मूवीज़ में, मॉन्स्टर मूवीज़ में आप इसको देख सकते हो, इसीलिए ये मूवी उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। और यहाँ पर जो बेसिकली मूवी को एंड किया हुआ है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, वो ऐसा दिखाता है कि और भी मूवीज़ आने वाली होंगी। तो मेरा जो नेटफ्लिक्स से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ यदि इस तरह से यदि आप मूवी बनाओगे ट्रोल की, तो ये डेफिनेटली ना पसंद नहीं की जाएगी। इसे यदि आपको बनाना ही है, तो जो मेन डायरेक्टर है एंड्रे, उनको ये मूवी आपको सौंपना पड़ेगा। जिस तरह से मूवी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो टोन होना चाहिए, जो हॉररनेस, गोर, वायलेंस, एक तरह से थ्रिलर होना चाहिए, ये सब मूवी में मिसिंग है। इस मूवी में ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर हैं या राइटर्स हैं, उनकी जो इमेजिनेशन है बहुत ही लिमिटेड है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते थे, जिस तरह से 2010 की मूवी में उसे एक्सप्लोर किया गया था, इस मूवी में मिसिंग लगता है। और ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हुई हैं, और इस तरह का जो फॉर्मूला है बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए ये एक मूवी रेपिटेटिव, बोरिंग हॉलीवुड जेनरिक मूवी लगती है। बट भले ये नॉर्वे से आई हुई मूवी है, जो कि हर एक साल कोई ना कोई एक यूनिक मूवी निकालते रहते हैं, इनकी बहुत सारी मूवीज है। यदि आप यदि नॉर्वेजियन मूवी इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, तो वहां पर से आपको हर साल एक या दो मूवी ऐसी देखने मिल जाएगी जो काफी इंटरेस्टिंग होती है। क्योंकि मैंने ये ट्रोल हंटर मूवी देखा हुआ था 2 बार, इसलिए मैंने इस मूवी को इससे कंपेयर किया। यदि ये मूवी में ट्रोल हंटर नहीं देखा होता और ट्रोल मूवी में डायरेक्ट देखता, तो इस मूवी को मैं गॉडजिला 1998 की मैथ्यू ब्रॉडरिक की मूवी से कंपेयर करता। तो वहां पर ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, आप इसे जाकर नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यदि जिसे इंग्लिश ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑब्वियसली कोई इसको देखेगा नहीं, बट ये हिंदी में भी डब्ड वर्जन इसका उपलब्ध है, सब भी है, डब भी है। तो डेफिनेटली आपको इसको एक बार चेकआउट करना चाहिए, एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, इसके पहले ट्रोल हंटर मत देख लेना,
फिर उसके बाद ट्रोल हंटर देखना। और जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे व्यू है वो राइट है कि नहीं राइट है। गाइस, मैं अपना रिव्यू यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, फिर और भी चैनल्स हैं मैंग सिंह टेक बीस और गेमिंग नेट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर के रिव्यू में मिलते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।